हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऋषि रावत श्री दीक्षा चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग बी ए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में आज हम आपको बताएंगे सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं समाज के ढांचे का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का अध्ययन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और समाज के जो ढांचे हैं उसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का अध्ययन है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों और समाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताया जाता है। इसके अलावा समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों से होता है, समाज का निर्माण जिन सामाजिक संबंधों से होता है वे किसी न किसी अंतर क्रिया के परिणाम होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी समाज के
वो उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं या उनसे एक अपने प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सदैव काम करते रहते हैं और तत्पर बने रहते हैं। इसके कुछ आवश्यक तत्व भी हैं, कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा भी दी है। एक प्रोफेसर नाम ग्रीक नाम के समाजशास्त्री थे, उन्होंने लिखा था सामाजिक प्रक्रिया वह महत्वपूर्ण तत्व है जो जिससे एक समाज को गतिशीलता प्रदान करती है, गतिशीलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है प्रोफेसर ग्रीक ने दी थी। इसके अलावा इसके आगे भी हम साथ में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत।